2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अनिल राजभर जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक कैलाश खरवार जी, माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी ओंकार केसरी जी, संयोजक सर्वेश कुशवाहा जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष बबलू राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी जी, निषाद राज पार्टी के श्री अरविंद कुमार बिंद जी, अपना दल के उदित नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, चंदौली की मेरी उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं आप सबको इतनी भीषण गर्मी में भी पूरे देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अब तक 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, आज छठा चरण हो रहा है और आज छठे चरण में देश के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, जो पहले 3 चरणों में लहर थी, आज वह मोदी जी की सुनामी देखने को मिल रही है। चारों ओर एक ही भाव है, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और समाजवादी कुल 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ पा रही है। बहन और भाइयों, वे जनता से पूछते हैं कि भाजपा 400 पार कैसे पाएगी, तो जनता जनार्दन क्या कहती है, कहती है जो राम को लाए हैं। क्या चंदौली भी यही मानता है? ना मानता है क्या? थोड़ा हाथ उठा करके बोला करो, काहे है ना, मानता है ना। और इसीलिए जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है, कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर और समाजवादी ठहरी रामद्रोही। समाजवादी पार्टी के सारे कृत्य तो रामद्रोही हैं। आप बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? यही अखिलेश यादव हैं जो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फैसला इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का लिया था। बहनों और भाइयों, ये लड़ाई तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में है। रामद्रोही जो विकास का विरोधी है, गरीब कल्याणकारी योजना का विरोधी है,
रामद्रोही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक है, हर माफिया का सागिर्द है, और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दिए, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य ला दिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए, और बड़े बड़े जो माफिया बनते थे उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी। भाई राम भक्त तो यही करेंगे ना, भाई सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का स्वाहा। सहमत है? सहमत है ना? तो मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं, परम राम भक्त हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए, और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बन गया ना, तो इसका श्रेय किसको मिलेगा? भाई देखो, मोदी जी तो नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को ताकत आपने दी है, आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। पुण्य के भागीदार आप बने, कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का श्रेय और उसका पुण्य भी उनके खाते में गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान किस कदर बढ़ा है, आज दुनिया भारत को सम्मान की निगाहों से देखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की सरकार समय देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा पुख्ता हुई है, अब कोई घुसपैठ नहीं करता हमारी सीमाओं में, आतंकी वारदात नहीं होती है। पहले आतंकी घटनाएं घटित होती थी, सुबह उठते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, पहला समाचार भ्रष्टाचार का, घोटाले का, और शाम को होते होते किसी बड़ी आतंकी वारदात की समाचार आते थे।